हमने उबले हुए आलू लिए हैं, दो आलू हैं, उसको उबाल लिए हैं मैंने। उबाल के इसको इस तरह मैश कर लिया है। और ये लेंगे 1 कप मैदा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे आधा टेबल स्पून नमक, इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसे मिक्स करके इसे हम भून लेंगे। ये देखिए, मैं इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गून लूंगी। इसे थोड़ा सख्त गूनना है हमें, जितना हम रोटी के लिए बेलते हैं, गूनते हैं आटा, उससे थोड़ा सख्त गूनना है। ये समोसे के लिए हम करते हैं सख्त पट्टी थोड़ी सी, बिल्कुल उसी तरह गूनना है। ये देखिए, मैंने गून लिया है, थोड़ा सख्त आटा है ये देखिए, इस तरह थोड़ा सख्त आटा है। अब हम चलते हैं फिलिंग बनाने की तरफ। देखिए, मैंने पैन चढ़ाया है, इसमें मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये लहसुन है, थोड़ा मोटा कटा हुआ लहसुन है, ये हाथ से काटा है। और ये आधी प्याज है, आधी प्याज को मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। सबको हम सौते करेंगे। प्याज को हाथ से ज़रा बारीक काट लीजिएगा, ये हम सौते करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम रखिएगा। हम इसमें मिला देंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, क्रश कोरिएंडर, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, और एक ये हरी मिर्च है, ये हम डाल देंगे। सबको मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें अनारदाना मिलाना चाहें या आमचूर पाउडर, तो वो भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे आलू, पूरा आलू इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसमें आलू थोड़ा मोटा मोटा, इसमें थोड़े से टुकड़े होने चाहिए, बिल्कुल बारीक मैश किया हुआ नहीं होना चाहिए। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा धनिया। ये हमने धनिया लिए है, धनिया आप जितना चाहें डाल सकते हैं। सबको मिक्स कर देंगे और हमारी ये फिलिंग तैयार है। अच्छा, देखें, ये मैं कुछ आटा डालती हूँ, और ये जो आटा हमने गूंदा है इसको हम बेलेंगे। इसको हम बहुत अच्छे से इसे बेलना है। बेलेंगे, बेल के थोड़ा बड़ा करेंगे हम इसे। ये देखिए, मैंने बहुत बड़ी सी इसकी रोटी बना ली है। अब इसका मैं कटिंग करूंगी। देखिए, इसकी मैं कटिंग करती हूँ। ये देखिए, ये इसकी इतनी कटिंग हो गई है। हम ये निकालते हैं। ये देखें, ये इस तरह के कटेंगे, सब तैयार होंगे। ये देखें, 1 कप में इतनी बनी है। ये देखें, इतनी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे। देखिए, थोड़ी सी छोटी है, इसको थोड़ा सा हम हल्का सा बेलन लगा के पतला और बड़ा कर लेंगे। ये देखें, हमने इतना बड़ा कर लिया है। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे। 1 टेबल स्पून डालना है इसमें। इसे हम इस तरह बंद कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप आटे की लई भी बना सकते हैं इसमें। ये देखें, इस तरह पैक हो गया। अब इसको एक बीच से हम इस तरह दबाएंगे हल्का सा।
और इसको हम यूं ले आएंगे, देखें यूं करके हम हाथ से प्रेस कर देंगे अंगूठे से, देखें कितना अच्छा सा हमारा समोसा है ये पेटीज आलू की, देखें इसी तरह हम सब बना लेंगे। देखें ये मैंने बना लिए इस तरह, एक कप में तकरीबन 7 बन चुके हैं ये, आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं। अभी से हम फ्राई करते हैं। देखें मैंने पैन चढ़ाया है, इसमें मैंने ऑयल डाला है फ्राई करने के लिए, अच्छा मैंने ऑयल चढ़ाया है, इसे हम गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, मीडियम गर्म करना है। ये देखिए ऑयल मीडियम गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे और हल्के हल्के करके से तलेंगे। ये देखें सारे हमने डाल दिए और मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। इसे हम पलट के देखते हैं, ब्राउन करना है हमें इसे, बहुत डिफरेंट सा ये स्टाइल है, आप किसी मेहमान के सामने रखेंगे तो बहुत खुश होंगे वो देख के, आप ज़रूर इसे बनाइएगा। अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा। ये देखें कितना अच्छा सा ब्राउन हो चुका है, ये देखें अभी से हम निकालते हैं। देखें कितना अच्छा सा हमारा पोटैटो स्नैक्स तैयार हो चुका है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कॉमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।